गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 91 नंबर की वीडियो हमारी 12th क्लास की चल रही है और पिछली हमने 11वीं प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी। अब हम शुरू कर रहे हैं अवकल समीकरण 12वीं प्रश्नावली। अब ये जो 12वीं प्रश्नावली हमारी शुरू होती है एकदम नए तरीके से होगी, थोड़ा बहुत हल्के फुल्के समाकलन का प्रयोग इसके अंदर होता है, तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना। केवल इतना हमें ज़रूरी होता है कि भाई छोटे मोटे जो तरीके थे, जैसे 9.1 आपने पढ़ी थी, 9.2 पढ़ी थी, है ना, 9.3 पढ़ी थी, सिंपल जो चल रही थी, कॉन्सेप्ट बेस पे नहीं है बिल्कुल भी, फार्मूला बेस पे है। ठीक है, इस तरह की ये प्रश्नावली है। तो इसमें अवकल समीकरण का जो डिटेल्ड पार्ट है हम उसको अभी नहीं बता रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन पे और उसके फैक्ट पे आ रहे हैं, डायरेक्ट फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे। तो जैसे 12.1 प्रश्नावली की हम बात कर रहे हैं फिलहाल अभी, कि 12.1 में बहुत सिंपल प्रश्नावली है, ये कहें कि भाई 10-15 मिनट की प्रश्नावली है बस। तो दो नाम आपको मिलते हैं, एक तो कोटि और एक घात, है ना, एक तो कोटि मिलता है और एक मिलता है घात। तो क्वेश्चन यही है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कि dy by dx बराबर sin 2x प्लस cos 2x, ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित अवकल समीकरण की कोटि और घात ज्ञात कीजिए। कोटि भी निकालनी है, घात भी निकालनी है। कोटि का मतलब क्या होता है, पहले तो मतलब पता होगा तभी तो आप इसमें से निकालेंगे। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो क्या काम करना है। कोटि का मतलब होता है इस अवकल समीकरण में कितनी बार अधिकतम अवकलन हुआ है ना, इसको देखना है। और इसको देखकर ये डिसाइड करना है कि आपको यहाँ पर कितनी बार अवकलन दिखाई दे रहा है, कितनी बार अवकलन हुआ। तो dy/dx अवकलन की बात कर रहा हूँ, समाकलन नहीं, चल रहा है टॉपिक समाकलन का, आएगा अवकलन इसमें। तो dy/dx दिख रहा है। अब इस dy/dx का मतलब क्या हुआ कि एक बार अवकलन हो रहा है ना, एक बार अवकलन। तो पूरी लाइन को ढंग से चेक करना है, अधिकतम अवकलन की बात हो रही है यहाँ पर। कोटि का मतलब क्या होगा, अधिकतम अवकलन की बात हो रही है। तो अभी तो खैर इसमें एक ही बार लिखा हुआ है, लेकिन जैसे कई बार जो क्वेश्चन हमने किए थे, अभी आगे भी आएंगे, कि कहीं पर d2y/dx² आ जाए, कहीं पर dy/dx आ जाए, तो उनमें से हम ये छांटना है सबसे ज़्यादा बार अवकलन हुआ है वो तो कहलाती है कोटि। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें, सबसे ज़्यादा बार अवकलन हुआ है मतलब एक बार अवकलन, अधिकतम अवकलन एक ही बार हुआ है, dy/dx आ रहा है। ठीक है, तो कोटि कितनी हो जाएगी इसकी, तब हम कह देंगे कि इसकी कोटि हुई है एक, अधिकतम अवकलन कोटि कहलाती है। क्लियर। फिर उसके बाद में घात। अब घात नाम पे ही घात आ रही है, घात यानी पावर होती है, जैसे नॉर्मली हम लोग घात लगाते हैं किसी भी संख्या पर, तो उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। अधिकतम अवकलन जहाँ भी, अधिकतम अवकलन हम कर चुके ना, कोटि निकाल चुके, अधिकतम अवकलन पे लगाई हुई घात, ये घात कहलाती है। ठीक है, अधिकतम अवकलन पे लगाई हुई घात। तो घात का मान कितना हो जाएगा, मतलब dy/dx पे पावर कितनी आ रही है, एक पावर आ रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक। तो इस सवाल की कोटि एक और घात भी एक। ठीक है, अभी जो हमारा कोर्स है, जो अभी 12th लेवल पे हम बात कर रहे हैं, तो अभी हम कोटि एक और घात एक की बात कर रहे हैं, यानी प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरणों की डिटेल में हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे। फिर जैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, कॉलेज वगैरह में जाते हैं, तब आप इनकी भी आगे और भी है, द्वितीय कोटि की, है ना, द्वितीय घात की, तृतीय कोटि की, इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर नंबर दो पे आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर दो है कि d2y/dx², ध्यान से चीज़ों को समझिए, क्योंकि चीज़ बहुत आसान है, एक नंबर में जनरली पूछी जाती हैं, और कैलकुलेशन पार्ट देख ही लिया आपने, कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन, केवल समझ के देखकर और आंसर देना है। तो d2y/dx² बराबर sin x और प्लस cos x, ये दिया हुआ है, sin x प्लस cos x। अब अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ, है ना, इसको देखिए, और इसको देख के ये बताना है कि अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है। तो d2y/dx² का मतलब क्या है कि दो बार अवकलन हुआ है, यही मतलब हुआ इसका कि दो बार अवकलन हुआ। जब दो बार अवकलन हुआ है तो कोटि का मान कितना हो जाएगा, तो कोटि हो जाएगी दो। दो बार अवकलन हो गया ना, अधिकतम अवकलन दो बार, तो कोटि दो। फिर इस कोटि पर
यानी अधिकतम अवकलन पर घात कितनी आ रही है। अब इसको देखिए, यहाँ पर कितनी घात मानी जाएगी, तो इसमें एक घात मानी जाएगी, तो यहाँ पर घात का मान हो गया एक, ठीक है, तो घात बराबर एक। क्लियर हुई बात? अधिकतम अवकलन जितनी बार भी होगा वो तो कहलाएगी कोटि, और उस अधिकतम अवकलन पर जो घात आ रही है वो कहलाएगी घात या पावर। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद नंबर तीन पे आइए। क्वेश्चन नंबर तीन है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स और बराबर जीरो। अब ये आ रहा है कि कंडीशन ये है, अब सिंपल कंडीशन आ रही है। अब देखिए दोबारा से, यहाँ पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है। तो ये जो कंडीशन हमारे पास आ रही है, इसमें क्या हुआ, इसका मीन्स ये है कि अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ। पहली बात तो कंडीशन आपको ये देखनी है, क्योंकि हमें कोटि निकालनी है। यहाँ पर एक बार अवकलन हुआ, यहाँ पर दो बार अवकलन हुआ, ठीक है, यहाँ एक बार अवकलन, यहाँ पर इसमें दो बार अवकलन, इसमें एक बार अवकलन। तो अधिकतम अवकलन कौन सा है दोनों में से? अधिकतम अवकलन, तो अधिकतम अवकलन कौन सा माना जाएगा? ये वाला, दो बार अवकलन हुआ है, तो कोटि हो गई दो, कोटि दो के बराबर। अब अधिकतम अवकलन पर घात कितनी है? अधिकतम अवकलन पर, है ना, इसको नहीं देखना। कई बार अगर यहाँ पे आपको तीन भी लिखी मिल जाती है ना, जब कन्फ्यूजन चालू होता है कि अधिकतम, हम क्या सोचते हैं कि अधिकतम अवकलन पूछा है तो कोटि दो हो गई, फिर हम दिमाग में ये आ जाती है, जनरली अक्सर ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, फिर हमारा दिमाग रहता है कि भाई अधिकतम घात, तो अधिकतम घात हम यहाँ तीन देख लेते हैं और यहाँ आंसर तीन दे देते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा, है ना। वैसे तो इसमें अभी तीन है नहीं, लेकिन अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो, चाहे डी वाई बी डी एक्स पर कितनी भी पावर लगी हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि अधिकतम अवकलन पर घात कितनी आ रही है, ठीक है ना। पहले अधिकतम अवकलन छांट लेंगे दोनों में से, दोनों में से बड़ा कौन सा है, ज़्यादा अवकलन कौन सा है, ये वाला पार्ट हो गया। फिर उसमें से उसके ऊपर कितनी पावर लगी है, उसके ऊपर लगी हुई है दो पावर, तो घात कितनी हो गई, घात हो गई दो, ठीक है। इस तरह से हमको ये काम करना है। कंप्लीट हो गया यहाँ तक, इसको नोट करिए, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो थोड़ा सा वैसे नॉर्मल टॉपिक है, कोई खास नहीं है। अब इसमें कुछ घुमाव भी हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर चार से हम इसको देखते हैं तो कुछ चेंजेस चालू होते हैं, और वो चेंज क्या हैं, नंबर चार, चार में आया है कि dy बाई डी एक्स की पावर तीन, dy बाई डी एक्स की पावर तीन हो गया, और प्लस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स और बराबर दो, ये आया है ना। और फिर पूछ लिया कि इसकी कोटि और घात बताइए। अब किसी का ध्यान नहीं पड़ता, जल्दबाजी में हम आंसर दे देते हैं कि हमसे ये पूछा गया भाई कितनी बार अवकलन हुआ, तो जैसे ही हमने इसको देखा, जैसे अभी तक और क्वेश्चंस थे उनके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं थी, सिंपल काम चल रहा था, तो जैसे ही हमने इसको देखा क्या बोल दिया, एक बार अवकलन, क्योंकि dy बाई डी एक्स आ रहा है, यहाँ भी dy बाई डी एक्स आ रहा है, तो अधिकतम अवकलन एक ही बार हुआ, हमने एक आंसर दे दिया। फिर पूछा कोटि तो एक हो गई, फिर हम ये पूछा कि भाई घात क्या आ रही है इसकी, तो आपने ये देखा कि भाई यहाँ पे dy बाई डी एक्स आ रहा है, इस पर तीन पावर, यहाँ पे dy बाई डी एक्स आ रहा है, उस पर एक पावर, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि भाई तीन आंसर हो गया, लेकिन गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि देखिए अवकलन आप कर चुके हैं, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे माइंड लगाइए, कहीं पर हमने कभी भी कोई अवकलन किया और अवकलन करने के बाद हमको कभी भी 1 अपॉन dy बाई डी एक्स मिला क्या? किसी भी जगह पर अगर हमने 1 बाई वाई का अगर अवकलन किया था, कभी भी कहीं पर भी ऐसा अवकलन आया है, तो 1 अपॉन वाई का अगर हमने अवकलन किया है, तो 1 अपॉन वाई का माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर आया। अगर x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 अपॉन वाई का आंसर क्या आया? माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। फिर y का कर रहे हैं, y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा ना, ऐसा ही तो होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि 1 अपॉन y है तो 1 अपॉन y का हम अवकलन कर दें 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, ये तो नहीं देखा ना कभी। अवकलन पढ़ चुके हैं हम, सातवीं प्रश्नावली आपने पूरी कर ली है, है ना, एक बार अवकलन भी किया है, दो बार अवकलन भी किया है, तो इस तरह की स्थिति जो हमारे पास आ रही है, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या? नहीं है, है ना। तो जहाँ तक आपको याद आ रहा होगा,
क्योंकि काफ़ी पुरानी बातें हैं, सातवीं प्रश्नावली हमने शुरू शुरू में की है, लगभग दो महीने पहले की बात थी। तो इस तरह की सिचुएशन हमने कहीं पर नहीं देखी, आई नहीं कहीं, ना आएगी। अगर 1/y का भी हम अवकलन करते हैं तो हमें -y² -1/y² और dy/dx मिलता है। मतलब ये जो dy/dx है ना, ये हमेशा गुणा में मिलेगा, भाग में नहीं मिलेगा कभी भी, ठीक है। तो ये वैल्यू ध्यान रखनी है, क्योंकि पहले वाले जो तीन क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे बोर्ड में। क्या पूछेगा? जहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट होगा वहीं तो पूछेगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो गलत है, तो डायरेक्ट इसको देख के आप आंसर नहीं दे सकते। तो हम क्या कर लेते हैं, सिंपल लैंग्वेज में फिलहाल बात कर रहा हूँ कि इसका लघुत्तम ले लेते हैं। जैसे ये तो ऊपर चल रहा है ना, ये तो अंश में चल रहा है, ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, बटे में कुछ नहीं है, तो एक मान सकते हैं। तो इसका सिंपल अवकलन ले लिया। अब जब हम इसका सिंपल अवकलन, वो अवकलन नहीं, एलसीएम, सिंपल एलसीएम लिया इसका, और एलसीएम लिया तो हमें क्या मिलेगा, dy/dx, ठीक है। इसके बटे में भी कुछ नहीं है, इसके बटे में भी कुछ नहीं है, हमने एक लगा लिया, तो ये एक भिन्न बन गई, ये एक भिन्न बन गई, ये एक भिन्न बन गई, हो गया क्लियर यहाँ तक। अब dy/dx आपने कॉमन लिया, वो एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो 1 से इसको डिवाइड कर दिया, dy/dx आया, ये dy/dx इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो बचा क्या, dy/dx की पावर 4, 4 हो गई ना भाई। ये तो एक बार भाग हुआ, फिर ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, ये बच जाएगा, प्लस यहाँ से रह गया 1। अब 1 रह गया तो इसमें, अब देखिए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, यहाँ तो काम ख़त्म, और बराबर में अभी 2 को रखिए, ठीक है, बराबर में अभी 2 को रखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस बात से। अब dy/dx का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया वापस, तो ये हो जाता है dy/dx की पावर 4 + 1 = 2 dy/dx, ठीक है। अब लाइन अपनी सही हो गई, ये पार्ट तो आ सकता है ना, ये आ सकता है, dy/dx कहीं पर भी गुणा में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही बात मैंने आपको बताई है कि dy/dx जब भी आएगा गुणा में ही आएगा, भाग में तो कभी ज़िंदगी में नहीं आ सकता, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि dy/dx नीचे कभी चला जाए। तो क्या स्थिति आई, अब देखिए, अब ये अपनी सही रूप में आ चुकी है अवकल समीकरण। और अब हम क्या कहेंगे कि जब हम इसको देखते हैं और हमसे कहा गया कोटि, तो कोटि बताइए, अब अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ, कोटि का मतलब क्या है, अधिकतम अवकलन, अधिकतम अवकलन dy/dx, यहाँ पर भी dy/dx, तो जब dy/dx आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार अधिकतम अवकलन हुआ, तो कोटि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और रही बात घात की, अब घात देखिए, तो अधिकतम अवकलन यहाँ भी है, मतलब एक बार अवकलन यहाँ भी है, एक बार अवकलन यहाँ भी आ रहा है। अब इन पर घात देखनी है, तो ये 4 पावर आ रही है, यहाँ पर 1 पावर आ रही है, तो अधिकतम अवकलन पर ज़्यादा पावर जा रहेगी, यानी कि 1 दे देंगे आंसर। यहाँ पर भी अधिकतम अवकलन है, यहाँ पर भी अधिकतम अवकलन है, दोनों सेम हैं, तो दोनों में से ज़्यादा पावर किसके ऊपर है, 4 के ऊपर है, तो ये आंसर 4 हो जाए, ठीक है। तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पूछा गया था बोर्ड में, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अभी एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा जो भी पूछा गया है एक बार। अब जैसे नंबर आइए 5 पर, अब ये थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें आ रही हैं जैसी बोर्ड में पूछी जाती है, मतलब जो हो नहीं सकता उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो जो हो नहीं सकता उस कंडीशन को ख़त्म करना है, नॉर्मल कंडीशन लेके आनी है, फिर उसका आंसर देना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ए फिर d2y/dx² और बराबर 1 + 1 + और dy/dx² ये 1 अंदर ही है, dy/dx² की पावर 3/2, ठीक है। ये स्थिति हमारे पास आ गई। अब देखिए इसमें भी वही कंडीशन कि जब हम इस तरह की कोई सिचुएशन लेते हैं, तो कभी भी आपने देखा कि dy/dx के ऊपर 3/2 पावर आई हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है, कभी भी नहीं होगा कि हमने कोई अवकलन किया हो, अवकलन पे इस तरह की पावर्स तो आ सकती हैं, है ना, लेकिन भिन्नों में कभी भी नहीं आ सकती, पावर ही नहीं आ सकती भिन्नों में। तो ये सिचुएशन जो लिखी हुई है वो गलत है, थोड़ी सी उलझाने के लिए लिखी हुई है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कैसे करेंगे कि गड़बड़ कहाँ से हो रही है, गड़बड़ हो रही है इस 1/2 के कारण। 3 से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यूब हो सकता है ना, यहाँ पे 4 पावर आई है, देखिए पावर कितनी भी हो सकती है, 4 आ जाए, 40 आ जाए, 400 आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन गड़बड़ कहाँ से हो रही है, गड़बड़ हो रही है इस 1/2 से,
एक बटा दो का मतलब अंडर रूट होता है, तो अंडर रूट के अंदर डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये मान कुछ जचा नहीं अभी और इस तरह की कोई सिचुएशन हमने पढ़ी भी नहीं है। तो वन बाई टू हटाना है, यानी ये जो तीन गुणा एक बटा दो, ऐसे लिख सकते हैं ना इस पावर को कि तीन गुणा एक बटा दो। अब अगर आपको अंडर रूट हटाना है, एक बटा दो का मतलब अंडर रूट होता है, वर्गमूल होता है, तो अगर एक बटा दो को हटाना है, वर्गमूल को हटाना है, तो क्या काम करना पड़ेगा, फिर हमें दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा। दोनों तरफ वर्क कर देते हैं तो यहाँ लिख देंगे वर्क करने पर, इसी प्रकार से करना है अगर ये पेपर में आता है तो। और जाहिर है कि भाई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो एक नंबर के क्वेश्चन में ही इसकी एंट्री हो सकती है, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इसका स्क्वायर किया तो सीधा लिख देते हैं इसको ए स्क्वायर है ना, ये तो ए स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया बराबर, इसका वर्ग करते हैं, जब इस पूरे का कंप्लीट का वर्ग करेंगे तो दो यहाँ पर आएगा, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, क्यूब बचेगा, तो ये आ जाती है यहाँ पर वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर दो की पावर क्यूब, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब इस क्यूब से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना क्यूब हो सकता है आराम से, ये काम कर सकते हैं। अब बात देखिए यहाँ पे, अब इस सिचुएशन को देखते हैं और इस सिचुएशन को देख के हमें ये आंसर देना है अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ। अधिकतम अवकलन यहाँ पे है दो बार अवकलन, यहाँ पे है एक बार अवकलन, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं कि भाई वन प्लस, जैसे आप लिख दें कि ए प्लस बी का होल क्यूब ऐसा बना हुआ है, खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है इसको, क्योंकि इससे हमारा आंसर निकलेगा ही नहीं, ये तो केवल हमने इस पावर को ख़त्म किया और इस ये जो थ्री बाई टू था ना, वन बाई टू था, वन बाई टू पावर को ख़त्म किया, वन बाई टू पावर को ख़त्म होने से यहाँ पे पावर बढ़ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये हमारे कोटि और घात में कहीं पर भी मर्ज नहीं हो रहा है, ना तो कोटि में इसके यूज़ हो रहे हैं कहीं पर, ना तो अधिकतम अवकलन में आ रहा है ये, और अधिकतम अवकलन की घात भी नहीं, जब अधिकतम अवकलन ही है तो घात कहाँ से आएगी। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं हम इस पे कि जब हमें इसके बारे में कुछ नहीं करना तो हम यहाँ देखते हैं कि भाई कितनी बार अधिकतम अवकलन हुआ। अधिकतम अवकलन इधर आ रहा है दो बार, अंदर वाली पावर देखनी है, इसको नहीं देखना है अभी, दो बार अवकलन हुआ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो रहा है, एक बार अवकलन हुआ है ना डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, तो अधिकतम अवकलन दोनों में से कितनी बार है, दो बार है, तो आंसर कितना आया दो, तो कोटि का मान तो हो जाएगा दो। फिर आती है घात, यानी जहाँ पर आपने अधिकतम अवकलन देखा है, अधिकतम अवकलन देखा है, उस अधिकतम अवकलन पर घात कितनी आ रही है, तो अधिकतम अवकलन पर घात कितनी आई, दो घात आ रही है, तो हो गया कोटि दो और घात भी दो। ठीक है, तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है, इसको लिखिए और उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक का मैटर कंप्लीट, अब नेक्स्ट पे आइए क्वेश्चन नंबर छः पर। तो क्वेश्चन नंबर छः में जो सिचुएशन आ रही है इसको एक बार देखिए कि एक्स नंबर छः, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बराबर जीरो। अब मान लीजिए अगर ये सिचुएशन हमारे पास आ जाती है तो सबसे पहला तो दिमाग में यही बात आती है कि भाई यहाँ पर तो डी वाई बाई डी एक्स है ही नहीं, है ना, अभी ये स्टार्टिंग हो रही है प्रश्नावली, आगे हम पढ़ेंगे तो इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, और अगर ये क्वेश्चन आपको मिलता है तो ये क्वेश्चन एक जगह और मिलेगा आपको कि चरों का पृथक्करण एक विधि हमारे पास आएगी, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है और इसको उस हिसाब से कर भी सकते हैं। अगर क्वेश्चन ने ये कहा, ये देखिए कई बार ऐसा घुमाया है, पिछले साल के पेपर जब हम आगे करेंगे, जब भी आप ऑफलाइन आएंगे तब हम देखेंगे उस चीज़ को, कि अवकल समीकरण से जो क्वेश्चन आए हैं ना वो प्रश्नावली तो कोई और सी होती थी और तरीका कुछ और होता था, मतलब मिक्स किया है ना, मर्ज किया है दो दो प्रश्नावलियों को। अब जैसे यही सिचुएशन उठाई और इसमें से बोल दिया कि कोटि और घात नहीं पूछी, अब कोई बच्चा इस प्रश्नावली को 10 बार कर लेता है, रिवीजन कर लेता है, तो उसको ये सवाल याद हो जाएगा कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बराबर जीरो था और ये तो कोटि और घात में आ रहा है, और इसकी साफ साफ आपको ये भी याद हो जाएगा कि इसमें एक कोटि आ रही है एक घात आ रही है, तो ये तो हमें दिख जाएगा यहाँ पर। लेकिन जब ये कहा जाए कोटि और घात नहीं पूछेगा, इस सवाल को दे दिया और उसमें ये पूछ लिया कि
निम्न अवकल समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, हल करिए इसको। अब कैसे हल करेंगे इसको? आपने तो सिर्फ इतना ही तो पढ़ा था कि इसमें कोटि और घात निकाली जाती है। क्वेश्चन आपको याद भी है, आंसर भी आपको याद है, है ना? तो आप डायरेक्ट इसको सोचेंगे भाई हल करने की बात कर रहा है, तो हल करने का मतलब सीधा कोटि और घात पूछ रहा है, तो आपने कोटि लिख दी, घात लिख दी, बस वहीं करके उसको आ गए। लेकिन मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन एक नंबर में भी पूछा जा सकता है। कोटि और घात तो एक नंबर में आता ही आता है, लेकिन अगर इसका हल पूछ ले ना, हल भी बहुत छोटा सा होता है इसका। अभी हम आगे सीखेंगे उस चीज़ को कि चरों का पृथक्करण कर दें और इसको हल कर दें, तो मात्र दो या तीन लाइन में ये सिचुएशन हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। और जब ये कंप्लीट हो जाती है तो निश्चित है कि सवाल गलत होगा हमारा, जो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इसको हल करिए और आपने कर क्या दिया, घात और कोटि निकाल दी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे जैसे आगे चलेंगे क्वेश्चन समझ समझ के चलिए, रटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस प्रश्नावली की यही खासियत है, पूछेगा रेखिक अवकल समीकरण हल कर रहे हैं हम उसको चरों के पृथक्करण से, या कई बार ऐसा भी हुआ है कि रेखिक अवकल समीकरण को चरों के पृथक्करण में मिक्स कर दिया तो भी क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है, रटना नहीं है, बार बार यही बात बोल रहा हूँ, है ना, समझ समझ के चलिए। अभी क्या पूछा, अभी इसने ये पूछा कि इसकी कोटि और घात बताइए, ठीक है। अब कोटि कब निकलेगी, जब आप इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करना पड़ेगा, अवकलन करेंगे तो इसको हटा दीजिए। अवकलन करने का मतलब अवकलन करना नहीं है, अवकलन के रूप में लेके आना है इसको। तो हम इसका पक्षांतरण करते हैं पहले कि x dx बराबर माइनस y dy, ये दे दिया, x dx बराबर माइनस y dy हो गया। अब हमें चाहिए dy बाई dx, इस dx को इधर भेज दें और माइनस y को इधर भेज दें, तो dx जब इधर जाएगा तो ये बन गया dy बाई dx, dx इसके नीचे भेज दिया ना, माइनस y को यहाँ भेज दिया, तो माइनस एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। तो ये सिचुएशन आ जाती है हमारे पास, ठीक है, ये स्थिति आ गई। अब क्वेश्चन क्या है कि कोटि और घात बताइए। अब कोटि और घात बताएंगे तो कोटि क्या है, कोटि का मतलब क्या है, कितनी बार अवकलन हुआ है, अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ, तो एक बार अवकलन हुआ तो कोटि कितनी हो गई, कोटि हो गई एक। और इस अधिकतम अवकलन पर कितनी घात है, एक, तो यहाँ पर एक आ जाएगा, ठीक है, ये स्थिति कंप्लीट हो गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अब किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म चल रही है अभी तक। उसके बाद आते हैं हम नंबर सात पर। तो क्वेश्चन नंबर सात है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर तीन है, पावर तीन प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स की पावर दो प्लस वाई स्क्वायर और बराबर जीरो, वाई की पावर पाँच, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इससे फिलहाल, सवाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपने स्क्वायर लिखा पाँच लिखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल कंडीशन है, कितनी बार अधिकतम अवकलन, है ना, जो अवकलन है वो कितनी बार हुआ है, यहाँ पर अवकलन हुआ है एक बार, ठीक है, इसमें एक बार आ रहा है, यहाँ पर अवकलन हुआ है दो बार, तो दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, ये वाला ज़्यादा है, तो अधिकतम अवकलन यानी कोटि, और कोटि कितनी आ गई, दो आ गई। फिर घात, अधिकतम अवकलन पर कितनी घात है, अधिकतम अवकलन पर घात, तो अधिकतम अवकलन पर घात कितनी आ रही है, तीन आ रही है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कोटि हो गई और इसकी घात हो गई, ठीक है, ये नंबर सात हो गया। उसके बाद आते हैं नंबर आठ पर, आठवें में है x dy by dx, तो x into dy by dx plus 3 upon dy by dx, ये दिया गया, और बराबर y square, तो बराबर y square, ठीक है, वही सिचुएशन आ गई जो पहले आई थी, dy by dx आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, तो क्या ये कंडीशन पॉसिबल है कि dy by dx कभी भी नीचे आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है ना। 3 अपॉन वाई का भी करेंगे तो भी ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इसको अंश में मानते हैं पूरे को, इसके अपॉन में एक लगा दिया, इसके अपॉन में भी एक लगा लिया, हालांकि खैर इसकी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, और इन दोनों में एलसीएम करते हैं, ठीक है, इन दोनों में एलसीएम किया, लघुत्तम ले लिया, तो इसका लघुत्तम क्या आएगा, इसका लघुत्तम आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स आया। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर गुणा होता है, तो एक्स dy बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस तीन हो गया,
डी वाई बाई डी एक्स आ गया, यहाँ पर लघुत्तम आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का ऊपर गुणा कर दिया तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया प्लस 3 है और यहाँ आ गया वाई स्क्वायर। इस डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ भेज देते हैं पक्षांतरण या वजगुणन, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 बराबर, इसको यहाँ भेज दिया वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स, ये सिचुएशन हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अब अवकल समीकरण रेडी है बिल्कुल। यहाँ पर एक बार अवकलन, इसमें भी एक बार अवकलन, तो इसकी जो कोटि है वो क्या बनेगी, अधिकतम अवकलन जितनी बार भी होता है वही कोटि होती है ना, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो ये सिचुएशन आ गई, फिर अधिकतम अवकलन पे दो पावर है, यहाँ अधिकतम अवकलन पे एक ही पावर है, तो आंसर क्या होगा, 2। यानी घात की बात कर रहे हैं तो घात कितनी आ जाएगी, घात आ जाएगी 2। ठीक है, ये स्थिति हमारी कंप्लीट होती है और ये जो एक्सरसाइज है 12.1 ये फिनिश। अब एक एग्ज़ाम्पल है और इस एग्ज़ाम्पल में एक जगह पर एक सिचुएशन लिखी हुई है, वैसे तो खैर आप कर लेंगे सारा, इस आधार पे ही करना है, लेकिन एक जगह एक सिचुएशन और आई है तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, नहीं तो क्यों, मुझे पता है हर साल इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और निश्चित है कि जब आप इसको करेंगे एग्जांपल्स वगैरह तो उसमें भी आपको ये प्रॉब्लम आएगी। एक ये एग्जांपल है, नंबर नंबर अब आप देख लीजिएगा क्या नंबर आ रहा है, प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। देखिए ये सिचुएशन आ रही है ना, अब हमसे ये पूछा गया कि क्या इसमें कोटि और घात परिभाषित है क्या, तो इसमें इस अवकल समीकरण के अंदर नंबर 6 है ये, तो इसमें घात परिभाषित होगी या नहीं होगी। अधिकतम अवकलन तुमको साफ दिख ही रहा है कि भाई एक आ जाएगा, लेकिन हम इसमें आपने कभी ये देखा है कि साइन डी वाई बाई डी एक्स आया हो, खूब अवकलन कर लिया हमने है ना, खूब अवकलन किया है, बहुत डीपली अवकलन कर लिया, दो बार अवकलन कर लिया, तीन बार कर लीजिए, चार बार कर लीजिए, लेकिन कितनी बार भी अवकलन कर लें ये सिचुएशन प्राप्त होती है क्या, हमें जल्दी से किसी का ध्यान नहीं पड़ता इस बात पर। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे ये साइन आया है, साइन अवकलन में आया है, इसका मतलब कॉज होगा, कॉज वाई, अगर आपसे कई बार दिमाग में आता है कि कॉज वाई है, कॉज वाई का अवकलन करेंगे तो साइन डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, पर ऐसा पॉसिबल है क्या, अगर हमसे कहा जाए कि भाई कॉज वाई का अवकलन करो और एक्स के सापेक्ष करो है ना, कॉज वाई का, तो कॉज वाई का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन वाई, ऐसे ही तो होगा है ना, फिर वाई का करेंगे, वाई का करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ देखिए क्या आ रहा है, साइन डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है। अगर ये साइन वाई होता और डी वाई बाई डी एक्स होता तब तो ये सही था, लेकिन नहीं हो रहा ऐसा कुछ, तो ये साइन है फिर डी वाई बाई डी एक्स है, इसका मतलब यहाँ पर थीटा है ही नहीं और यहाँ पर थीटा का होना आवश्यक है, तो ये सिचुएशन, ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, इस तरह की सिचुएशन कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर घात परिभाषित नहीं होगी। एक बार एक एग्ज़ाम में ये मेरे को अब ढंग से याद नहीं है कौन सा एग्ज़ाम था, लेकिन एक एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि e की पावर डी वाई बाई डी एक्स, इस टाइप का भी आया था एक क्वेश्चन, तो e की पावर डी वाई बाई डी एक्स, अब सेम सिचुएशन यही वाली बन रही है, इसी कॉन्सेप्ट पर इसको ले लिया कि भाई क्या पॉसिबल है कि ये आ जाए, अगर आपने e की पावर y का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो आंसर क्या प्राप्त होगा, e की पावर y का तो e की पावर y होगा है ना, और y का करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो ये जो dy वाई बाई डी एक्स है ये हमेशा गुणा में ही रहेगा और सेपरेट गुणा में रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, dy वाई बाई डी एक्स थीटा की जगह पर यूज़ होने लग गया, साइन थीटा है ना, साइन थीटा, थीटा की जगह पर तो आ रहा है ये वाला, साइन तो कम्प्लीट हुआ ही नहीं इसके बगैर, ठीक है, तो एक तो ये गलत हो गया, फिर e की पावर y, अभी अभी जब हमने शुरुआत की थी तब भी मैंने आपको बताया था कि जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो हमेशा गुणा में रहेगा, तो गुणा में रहेगा तो ये पावर में थोड़ी चला जाएगा, आज तक किया है कभी कोई सिचुएशन ऐसी आई हो, फिर किसी का दिमाग काम कर जाए कि भाई ई की पावर वाई का अवकलन हो सकता है, तो नहीं हो सकता क्योंकि ई की पावर वाई का अवकलन करेंगे तो ई की पावर वाई आएगा, फिर वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, हो गया क्लियर, तो ये सिचुएशन ध्यान रखनी है। पेपर में अगर जनरली इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है 12.1 में से कोटि और घात का, लेकिन जब भी अगर आया तो कोटि और घात के जो क्वेश्चन आपको ये चार के बाद वाले कराए ना, इनमें से ही आने की संभावना है या ये एग्जांपल आने की संभावना बनती है,
क्योंकि डायरेक्ट नहीं आएगा। अगर डायरेक्ट वाला कोई भी सवाल आ जाता है फिर तो कोई भी कर देगा उसको, तो एक नंबर से ज़्यादा इसमें बढ़ने की आवश्यकता है नहीं। और इस सिचुएशन को हम आगे हैंडल करेंगे कि इसमें जब ये बोलता है कि भाई अवकल समीकरण में कोटि और घात निकालिए, तब तो आपका आंसर ये वाला होगा, इस टाइप से कर देना है। लेकिन अगर ये कह देता है कि इसको हल करिए तो क्वेश्चन अलग होगा, ठीक है। फिर हम चरों का पृथक्करण विधि का यूज़ करते हुए और इसको हल कर देंगे, ठीक है, ये स्थिति आएगी।